प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लाओस की राजधानी वियेने में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यहां बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से ही आसियान देशों के बीच एकता को सपोर्ट करता रहा है। आसियान भारत के इंडो पैसिफिक विजन और क्वाड कोऑपरेशन के केंद्र में है। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया भर में जारी अलग अलग जंग का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ। हमने हमेशा यही कहा है कि यह जंग का युग नहीं है। ईस्ट एशिया समिट शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। उन्होंने मिल्टन तूफान में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को लाओस की राजधानी वियेने में इंडिया आसियान समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान मोदी ने इंडिया आसियान समिट को संबोधित भी किया। समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा था, मेरा मानना है कि 21वीं सदी इंडिया और आसियान देशों की सदी है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, भारत और आसियान की मित्रता, संवाद और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।